डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी सोना जब्त किया है। डीआरआई की मुजफ्फरपुर यूनिट ने दरभंगा के राजे टोल प्लाजा के पास एक कार 2 किलोग्राम सोना का बिस्किट जब्त किया गया। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। जब्त बिस्किट पर स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। बाजार में इसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ आंकी जा रही है। इस दौरान 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर डीआरआई टीम को गुरुवार की देर रात यह जानकारी मिली थी कि कार से विदेशी सोने की तस्करी की जा रही है। कार की पूरी डिटेल मिलने के बाद डीआरआई की टीम ने एक्शन लिया और दरभंगा राजे टोल प्लाजा के पास सफेद रंग की इको स्पोर्ट्स कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में कार में बने तहखाना से 2 किलोग्राम सोना का बिस्किट जब्त किया गया। जब्त बिस्किट पर स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। बाजार में इसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ आंकी जा रही है। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक स्विट्जरलैंड का सोना तस्करी कर बांग्लादेश लाया गया था। उसके बाद बांग्लादेश के तस्करों ने सोने को दोनों गिरफ्तार तस्कर को असम के इंडो बांग्लादेश बॉर्डर समीप हैंडओवर किया। इसके बाद दोनों तस्कर कार से बिहार के दरभंगा के लिए चले। दोनों तस्करों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों तस्कर दरभंगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।